अवगत से चले आया। गिद्ध से एक अमीर सेठ की लड़की उसने उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई। हमारे साथ वो बनी हुई है अब ये। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये देख कर नौकर, अरे तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो था शराबी को अभी बकवादी आदमी, जाकर अपना रहने लगे कि जाए। वो जो सारा वो ले गई थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया। पहले जब वहां से आए सतलोक से तो आप पुनों से भरपूर थे, आप एक बहुत साहूकार के बेटे थे। पहले राजा लोग जो होते थे उनकी बेटे और बेटियां, जो धनी राजा होते थे, सोने के हार, सोने की जूतियां, सोने के, यहां तक जैसे अपना राजस्थान में देखे होंगे अभी तक पहनती माताएं चांदी के पहनते, वो सोने के होते थे और कपड़े सुंदर, उनमें भी हीरे मोती जोहरा जड़े होते थे। और वो ऐसे हम वहां थे, भक्ति से परिपूर्ण सेठ थे, सारी सुविधाएं प्राप्त थी। अब हम आगे उन सारे आभूषणों समेत यानी सारी भक्ति समेत इसका साथ भाग्य। जैसे एक अमीर सेठ की लड़की उसने उन्हीं के एक नौकर के साथ भाग गई। हमारे साथ वो बनी हुई है अब ये। उस भागने से पहले उनके जो चल रहा था विचार विमर्श, उनका पता माँ बाप को लग गया। बेटी को समझाया, बेटा यो बालक और ये देख कर नौकर, अरे तू कहा कि किसकी बेटी है, कुछ आंख खोली, अच्छी बात नहीं, तुझे बहुत दुख हो जाएगा। माँ ने भी समझाया, बेटी बड़ा कैर टूट जाएगा, हम तो शादी कर नहीं सकते, तू इसके साथ जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। समझा दिया, हाँ माँ को नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, ऊपर से तैसे करगी और पीछे से सारा आभूषण लेकर भागी। अब वो था शराबी को अभी बकवादी आदमी, जाकर अपना रहने लगे कि जाए। वो जो सारा वो ले गई थी धन, पहले तो वो खर्च करवाया, शराब पी हुए उन्हें पीटे छेते, वह जान जो गिरी ना वापस। फिर वो मजदूरी कर रही थी, दो बच्चे उसके साथ थे सड़क के ऊपर, ये दास उसने वहां जे ही था, नौकरी कर रहा था। हमारा दूसरा भी भाग था, सड़क पर और काम हो रहा था, वहां हम बैठे थे एक वृक्ष के नीचे। वो माई रो रही थी, मैंने पूछा बहन क्यों रो रही है, क्या बात होगी। उसने फिर अपना सारा दुख बताया कि मैं एक बहुत बड़े सेठ की साहूकार की बेटी थी और जो मेरा पति है ये वहां नौकर था, और मेरे माँ ने बहुत समझाया मुझे, मेरा अकल नहीं आई, मैं इसके बाद तम आके इसके सारा धन लेकर आ गई, बहुत सा धन। पहले तो धन खर्च करवाया मेरे से, मारा पिटा, दो बालक हो गए, अब भी शराब पीता है मुझे, मैं नौकरी या मजदूरी करती हूँ, जाते इनको छीन लेगा, टाइम पर टूक भी नहीं है, रो रही हूं अपने कर्मों को। अब जब तो हमने थोड़ी सी सहमति हुई भाई, हम क्या कर सके, हम भी आप रोजी रोटी वाले आदमी, हम तो आपको क्या दें बेटा, हम भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दुख जरूर होता है ऐसी सुनकर कथाएं। तो अब मालिक का ज्ञान होने के बाद अब पता चला हमारे साथ ऐसा बना, अब ये हमें लूट रहा है, सता रहा है, हमारी ब्रेन माटी कर रहा है, मजदूरी करो, लाओ कमा कर मैं खाऊंगा। कैसे, आप पहले जो धन लेकर आए थे अपने बाप से, वो तो इसने महास्वर्ग में आपको वहां रखा ठाट से, और आपके उस पुण्य के ऊपर इसने कमीशन रखा है, होटल बना रखा है अपनी, वहां बनो खूब बढ़िया साजबाज, किसी में 25% कमीशन देता है, और पैसे जो वहां खाने पीने के ठाट हैं, विमान है, वो आपकी पूंजी खर्च होती है। जब वो पूंजी समाप्त हो जाती, आपको पृथ्वी पर पटकता है कि फिर पुण्य कमाओ, फिर पुण्य कमाओ, फिर कहां स्वर्ग माओ, वहां खत्म करो, फिर पाप भी साथ बनते हैं, यहां पर नरक में भी जाओ, जैसा करोगे वैसा ही फल मिलेगा, यहां कोई परिवर्तन नहीं है। अब परमात्मा ने आके बताया, होए होए, परमात्मा ने कहा रे जालिम, ये जुल्म कर रखा है तेने, हैंड टू माउथ कर दिए, कि सेठ के बेटी बेटा बेटा बेटी थे,
और तेने के जुलम कर रखा है, इनसे मजदूरी कराता है, मौज तू मार रहा है, तेरे देवता मार रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, ये भी आप कमाई कराते हैं तुमसे, इनके लोक में गए स्वर्ग में, तुम्हारे पूंजी पुण्य की खत्म हुई, इनका कमीशन फिक्स्ड है, पैसे तुम्हारे होंगे, सब होटल खोले बैठे यहाँ पर किस कंगाल देश में लोक में 21 ब्रह्मांड के अंदर, फिर वहां से खत्म होते, फिर जाओ नीचे जबरदस्ती फेंक देंगे, एक दिन भी ना रखे विष्णु अपने घर में अपने श्लोक में, तो कितना प्यारा लगता हो तुम्हें, कौन खत्म हुए पल भाग यहां से, कौन रोग का बीमारी ने, तो तुम कहां कहां उठोगे, उस अपने पिता के घर पर जाके, वहां फिर कोई नहीं आपको भगाएगा, सीने से लगाएगा, सारे सुख देगा, उस सतलोक चलो।